नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता भी रहे। मुख्यमंत्री को सक्षम हरियाणा परियोजना के तहत विभिन्न पहलों में किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में सक्षम घोषणा पर किए गए कार्यों की सराहना की और डिजिटल हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विज्ञान और अन्य संकायों में विद्यार्थियों के दाखिला अनुपात का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों की रुचि का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति पहल के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए और बैठक में यह बताया गया कि कुल 119 ब्लॉकों में से 107 ब्लॉकों को सक्षम और 86% छात्रों को ग्रेड 17 का सक्षम घोषित किया गया है। और यह भी बताया गया कि राज्य में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स और असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स के 1300 से अधिक पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती की गई है। सक्षम के रूप में कार्य करते हुए BRP और ABRP स्कूलों में प्रतिदिन 2-2.5 घंटे बिताते हैं और विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा पर नज़र रखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी नए संरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है कि वे शिक्षकों को बेहतर सहयोग प्रदान करें। उन्हें इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परिणामों में सुधार के लिए अपनाई गई रणनीति और आगामी जनवरी और फरवरी में होने वाले सक्षम घोषणाओं को दौरे के बारे में बताया गया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट।